हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो सामान्यतः पॉलिटेक्निक डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है, परंतु जो स्टूडेंट्स बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट से सीख सकते हैं और साथ ही मेरे वेबसाइट www.tanilalthakur.co.in से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग एक बहुत बड़ी और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके द्वारा अनेक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। दोस्तों, कई यूनिवर्सिटी में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिसर्च के लिए उपयोग करने के लिए अपने सिलेबस में जोड़ा गया है। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में यूनिवर्सिटी द्वारा लागू किए गए आउटकम बेस्ड कैरिकुलम में दिए गए कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम्स के साथ साथ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम कोर्स आउटकम्स के बारे में जानते हैं। कोर्स आउटकम्स, पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए यूनिवर्सिटी के अनुसार तीन तरह के कोर्स आउटकम लिए गए हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोर्स को पढ़ने के बाद यह तीन कोर्स आउटकम्स प्राप्त कर सकेंगे। CO1 यानी कोर्स आउटकम 1, इस आउटकम में स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर की व्याख्या करना सीख जाएंगे। CO2 कोर्स आउटकम 2, इस कोर्स आउटकम में स्टूडेंट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग और स्ट्रक्चर टाइप्स का उपयोग करके प्रोग्राम को डेवलप करना सीख जाएंगे। CO3 कोर्स आउटकम 3, इस कोर्स आउटकम में स्टूडेंट क्लास के कंसेप्ट, फाइल हैंडलिंग और GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग को प्रोग्राम में अप्लाई करना सीख जाएंगे। अब हम इन तीन तरह के कोर्स आउटकम्स के अलग अलग लर्निंग आउटकम्स के बारे में समझते हैं। यूनिवर्सिटी के OCBC यानी कि आउटकम बेस्ड करिकुलम सिलेबस के अनुसार पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तीनों कोर्स आउटकम्स के भी तीन तीन अलग अलग लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। पहला कोर्स आउटकम, इंटरप्रेट बेसिक कंस्ट्रक्ट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। कोर्स आउटकम 1 के लर्निंग आउटकम्स 1 में स्टूडेंट पाइथन के IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप के स्टेप्स, फीचर्स और मॉड्यूल को डिस्क्राइब करना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 1 के लर्निंग आउटकम्स 2 में स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 1 के लर्निंग आउटकम 3 में स्टूडेंट्स पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक कंस्ट्रक्ट्स का उपयोग कर प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे। अब हम कोर्स आउटकम 2 के लर्निंग आउटकम्स देखेंगे। कोर्स आउटकम 2, डेवलप प्रोग्राम्स यूजिंग स्ट्रक्चर टाइप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। कोर्स आउटकम 2 के लर्निंग आउटकम 1 में स्टूडेंट्स स्ट्रिंग और लिस्ट के मैनिपुलेशन के लिए बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग करना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 2 के लर्निंग आउटकम 2 में स्टूडेंट्स टपल्स, डिक्शनरीज और सेट का उपयोग करना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 2 के लर्निंग आउटकम 3 में स्टूडेंट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरे को मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे। अब हम कोर्स आउटकम 3 के लर्निंग आउटकम्स के बारे में समझते हैं। कोर्स आउटकम 3, अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ क्लासेस, फाइल हैंडलिंग एंड GUI डिजाइनिंग। कोर्स आउटकम 3 के लर्निंग आउटकम 1 में स्टूडेंट्स क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर और
एक्सेस क्लास मेंबर का उपयोग कर प्रोग्राम लिखना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 3 के लर्निंग आउटकम 2 में स्टूडेंट किंटर इंटरफेस का उपयोग कर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप करना सीख जाएंगे। कोर्स आउटकम 3 के लर्निंग आउटकम 3 में स्टूडेंट फाइल या डायरेक्टरी से संबंधित ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिल्ट इन लाइब्रेरी का उपयोग करना सीख जाएंगे। मतलब हमारे प्रोग्राम में जो एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं उनको हम बिल्ट इन लाइब्रेरी के द्वारा हमारे प्रोग्राम में उपयोग करना सीख जाएंगे। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। पाइथन एक सामान्य कार्यों के लिए उपयुक्त उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरेक्टिव, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें लिखे गए कोड आसानी से पढ़े और समझे जा सकते हैं। अब हम पाइथन लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं। पाइथन 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में डिज़ाइन की गई थी। इसका कार्यान्वयन दिसंबर 1989 में शुरू हुआ। पाइथन 3.0 एक लंबी अवधि के बाद 3 दिसंबर 2008 को जारी किया गया था। यह पाइथन 2.x से कंपेटेबल नहीं था। 1 जनवरी 2018 से पाइथन 2.7 को रिटायर घोषित कर दिया गया और इसे अब मेंटेन नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आज पाइथन प्रोग्राम के कोर्स आउटकम्स और लर्निंग आउटकम्स के बारे में हमने सीखा। साथ ही पाइथन के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में भी समझा। तो आज की क्लास में हम बस यहीं तक सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।